देखिए, आज आपने देखा कि बांडीपुरा ज़िले के सुंबल सब डिवीज़न में इस पूरे सब डिवीज़न के तूलो अर्ज से लोग तशरीफ़ लाए थे। डीडीसी चेयरपर्सन साहब, सब डीडीसी, ऑनरेबल डीडीसी मेंबर्स, बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी मेंबर्स, पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स और सिविल सोसाइटी, ट्रेडर फेडरेशन, औकाफ कमेटीज़, मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग तशरीफ़ लाए थे और बड़ी कसीर तादाद में इशूज़ के बारे में डिस्कशन हुई और फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इसमें से कुछ ऐसे मुद्दे थे जो फौरन से पेशतर मौके पे ही जिनका इजाला हो जाएगा, कुछ ऐसे हैं जो आगे सेक्रेटेरिएट लेवल पे मुख्तलिफ महकमा जात के इश्यूज़ हैं, उनका इजाला इंशाल्लाह होगा आने वाले वक्त में। ये पब्लिक दरबार की स्कीम और ये प्रोग्राम्स हर ज़िले में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत पर मुनक़द किए हैं और इसका रीज़न, बेसिक प्राइमरी रीज़न और इसका मकसद यही है कि लोगों के बीच जाके अवामी मसाइल का इजाला किया जा सके और अवामी मसाइल को समझ के लोगों और सरकार के दरमियान कनेक्ट को और उस्तवार किया जा सके। तो आज उस कड़ी में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है जो बांडीपुरा ज़िले, और आपने देखा होगा कि ये बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ना होके एक दूरदराज इलाके में हुआ, जहाँ पे सब डिवीज़न में लोगों के मसाइल को सुना गया और मुख्तलिफ इशूज़ को डिलिब्रेट करके उनका इजाला किया जा सकता। लगता है कि आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे, इस बार, इस साल हमने मानसबल का बहुत बड़ा फेस्टिवल किया जो लेक मेनस्ट्रीमाइज होगी, उसकी वजह से बहुत मैसिव स्केल पे वहाँ अब टूरिस्ट रश देखा जाता है। इसी तरह से वुलर, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बहुत मैसिव एक डेस्टिनेशन बन सकता है और इसमें जो भी इकदाम उठाने हैं आगे आने वाले वक्त में, चूँकि विंटर्स में वाटर स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा हम इसमें इनका नहीं कर सकते, अगले समझ में मैं आपसे वादाबंद हूँ कि वुलर का ख़ास तौर पे तवज्जो देते हुए अच्छे इवेंट्स क्यूरेट करके हम वुलर को टूरिज्म मैप पे वापस लाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ एक अनाउंसमेंट ये की है कि मैंने सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्वेस्ट किया कि होम स्टेज को बहुत बड़े पैमाने पर पुष्टू करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का फोकस ये है कि रूरल टूरिज्म और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के हवाले से होम स्टेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बांडीपुरा एक बहुत फेमस कल्चर है, बांडीपुरा के अपने आप में बड़ी पजीराई होती है, अहमियत है जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए यहाँ का चूँकि एक बड़ा मखसूस कल्चर है, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ और अफेक्शन बड़ी फेमस है, तो मुझे लगता है कि इसको टूरिज्म मैप पे ला के पूरी दुनिया के सामने इस वार्मथ, इस हॉस्पिटैलिटी और इस शफकत को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना ज़रूरी है, जो कि टूरिज्म महकमा, मैं आपसे वादाबंद हूँ कि आगे आने वाले सीज़न में इंशाल्लाह पूरा करूँगा। गवर्नमेंट का जो टूरिज्म का, टूरिज्म के सेक्रेटरी है आबिद रशीद साहब, वो यहाँ पर आए थे और लोगों से मिले और लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको सुना। कुछ काम वहीं पे आइडेंटिफाई हो गए, जिनका उजाला वही हुआ। कुछ सेक्टर लेवल के काम है, उन्होंने कहा कि मैं इनको देखूंगा सेक्टर लेवल के पर, लेकिन ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हर ज़िले में पब्लिक दरबार और सेक्टर लेवल के जो अफसर है वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। आज ये सुंबल में रहा तो इसका हम खुश आमदीद करते दिल से, क्योंकि ये सुंबल एक बहुत बड़ा इलाका है, सोनावारी, हाजिन, नाइत खाई, इसमें काफ़ी ब्लॉक्स पड़ते हैं, पंचायतें पड़ते हैं, तो उन लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो अच्छी तरीके से हुआ। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो सेक्टरी लेवल के जो अफसर है वो गाँव के लोगों से मिल रहे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, बीआरआई से मिल, बीडीसी, डीडी, सरपंचों से मिल रहे और उनके गाँव के मसाइल सुन रहे, चाहे टाउन हो चाहे ब्लॉक लेवल पर हो, तो वो उसी टाइम उजाला उनका होता है, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।